हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेलन एकेडमी। इस वीडियो के साथ मैं एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि एमएस ऑफिस पे होगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमएस ऑफिस पैकेज एज अ होल। नाउ एमएस ऑफिस पैकेज में बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। ओके, तो ये जितने भी पैकेजेस हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं स्टार्ट करूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। ओके, जो मैं इस वीडियो में आपके सामने आपको मैं जो है डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा एमएस ऑफिस के बारे में। यू सी, एमएस ऑफिस एक्सपेंड्स टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट जो फर्म है, कंपनी है, उन्होंने विंडोज यूजर के लिए एक ऐसा पैकेज दिया है जिसका यूज करके आप अपने डे टू डे लाइफ में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ टेबल्स के साथ वर्क करने हैं, अगर आपको कुछ कैलकुलेशंस करने हैं मैथमेटिकल, ओके, आपको कुछ शीट्स बनानी है जो आपके सपोज इनकम टैक्स से रिलेटेड है और समथिंग लाइक दैट, अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं, अगर आपको ईमेल क्लाइंट का यूज करना है, ठीक है, डेटाबेस का यूज करना है ना, तो ये इसके लिए क्या है, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पैकेज देता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के बारे में अगर हम समझे तो देखो इसके डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि वर्जन्स क्यों आते हैं मैं आपको बता दूं, ये वर्जन्स के बारे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वर्जन्स क्यों आते हैं, देखो अगर कोई आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है और वो प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट आ जाता है, या ऐसा हो सकता है कि उसको और अच्छे से बनाया जा सकता है, अगर कोई फॉल्ट नहीं भी आया है तो उसको कुछ अच्छे से और बनाया जा सकता है, तो क्या होता है कि उसके जो बग्स होते हैं, बग्स क्या होते हैं, अगर कुछ एरर्स हैं या हमें लग रहा है कि नहीं, इसमें कुछ एडिशनल जो है यूजर एक्सपीरियंस के लिए विजुअल फीचर्स अच्छे कर दिए जाए, है ना, इसका कलर चेंज कर दिया जाए, इसका जो है लेट अस सपोज अगर वर्ड है तो वर्ड का जो आपका इंटरफेस है उसमें ये वाला पोर्शन में ऐसा मेन्यू दिखना चाहिए, है ना। तो कई चीजें होती है जो यूजर एक्सपीरियंस के लिए ना चेंज की जाती है, ठीक है। तो जब चेंज होता है, मेजर चेंज होता है ना आपके पैकेज में, तो क्या होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स कहलाते हैं। जैसे कि विंडोज, बहुत पुराना विंडोज ने क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने, कि उसने ऑफिस का पैकेज बहुत पहले से वो चल रहा है, ठीक है। मैं जब लास्ट टाइम, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो मैंने वर्ड 97 देखा था। ओके, मतलब 97, इन द ईयर 97 इट केम, इट वाज लॉन्च्ड। तो वर्ड 97 के बाद मैंने इफेक्टिवली जो वर्क किया था वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 पे वर्क किया था। फिर 2003 के बाद 2007 आया, 2010 आया, 2013, देन 2016 एंड देन रिसेंटली 2019 के, ठीक है। तो ये सारे वर्जन्स हैं और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। जैसे कि बहुत बेसिक चीज मैं आपको अगर बताना चाहूँ, ठीक है, तो इसमें क्या चेंज हुआ है, तो एक चेंज हुआ है कि आपका पहले अगर 2003 तक अगर देखा जाए तो क्या होता था, जो आपका विंडो वर्ड का फाइल सेव होता था वो डॉट डीओसी से सेव होता था। डीओसी इज फॉर डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन हुआ करता था। फिर क्या हुआ, 2007 ऑनवर्ड्स इसका एक्सटेंशन चेंज होके डॉट डीओसीएक्स हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉट डीओसीएक्स हो गया इसका मतलब है कि भाई जो डीओसी है वो वर्क नहीं करेगा। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक कि बैकवर्ड कंपेटिबल नहीं है, ठीक है। आप अपने डॉक्यूमेंट को डॉट डीओसी से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन आप 2003 में के वर्जन में अगर काम कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट को डॉट डीओसीएक्स से सेव नहीं कर सकते हैं, वो सपोर्ट वहां नहीं मिलता है। तो क्या है कि 2007 ऑनवर्ड्स ये DOCX हो गया, ठीक है। तो ये एक चेंज हुआ, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए, ठीक है। जैसे कि जो मेन्यू बार है वो अभी के वर्ड में एज अ रिबन दिखता है। अभी क्या है, आपका एक रिबन कहलाता है और उसमें आप मेन्यू बार्स को लिखते हैं, मेन्यू बार्स शो होते हैं। पहले क्या होता था, मेन्यू बार आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, 2003 तक का जो ऑफिस का पैकेज था उसमें मेन्यू बार ऐसे दिखते थे जैसे नोट पैड में दिख रहे हैं, यही मेन्यू बार होते थे ना। अभी उसको रिबन के फॉर्म में शो किया जाता है 2007 ऑनवर्ड्स। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप सर्च करेंगे तो
आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आपको, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप सर्च करते हैं तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, मैं ऐसा समझूंगा कि मेरे जो यूजर है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कभी खोला ही नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कभी काम ही नहीं किया। मैं इस तरीके से इस कोर्स को ले जाऊंगा, तो मैं 3 लेवल में आपको इस कोर्स के बारे में समझाऊंगा और मैं इसका डिस्कशन करूंगा, ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। एक है कि मैं बेसिक लेवल पे बात करूंगा, फिर इंटरमीडिएट लेवल ले जाऊंगा और फिर कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगी और मैं एडवांस लेवल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बातें करूंगा। तो पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं या जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्क कैसे करता है। और जैसा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिस्कशन करने वाला हूँ, तो वर्ड एक्चुअली कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो अभी आप मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, वो क्या है, एक्चुअली डेस्कटॉप कहलाता है, ठीक है। अभी क्या है कि मुझे अगर यहाँ पे अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए जो है ना, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। पहला तो क्या है, देखिए ये जो आप यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं टास्क बार पे, ये टास्क बार कहलाता है, ठीक है। यहाँ जो सिंबल देख रहे हैं आप, इसको स्टार्ट आइकन कहते हैं, ठीक है, स्टार्ट बटन कहते हैं, स्टार्ट आइकन कहते हैं। यहाँ पे स्टार्ट आइकन पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे ऑफिस का जो पैकेज है यहाँ पे दिख रहा है। मैं इस वर्ड को यहाँ से सेलेक्ट करके और क्लिक करता हूँ जब माउस से, तो आप देखेंगे कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफ 2019 ओपन हो रहा है। तो इससे क्या पता चला कि मेरे पास जो वर्जन है वो क्या है, 2019 वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है। इसके बाद दूसरे और भी वेज हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ वो वेज क्या है। एक तो क्या है कि देखिए, आप यहाँ पे जो ये जो सर्च ऑप्शन मिलता है ना, आपको विंडोज 10 में मिलता है, ऑलवेज रिमेम्बर, ये विंडोज 10 ऑनवर्ड्स मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सर्च का ऑप्शन होता है ना, तो इसमें क्या है, आप लिख सकते हैं वर्ड। जैसे ही आप वर्ड लिखेंगे तो अगेन आपको ये यहाँ पे वर्ड ऐप यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कई बार मैं एक शॉर्टकट भी आपको बताता हूँ जो कई बार यूजफुल होता है। तो उसके लिए क्या है, आपको शॉर्टकट के लिए आपको क्या है, स्टार्ट आइकन प्लस आर प्रेस करना होता है, ठीक है। अब ये स्टार्ट आइकन क्या है, तो आपके कीबोर्ड में एक विंडोज की भी होता है, ठीक है। विंडोज की कैसा दिखता है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये विंडोज की कहलाता है आपके कीबोर्ड पे। और वो विंडोज की कहाँ होता है, जो आपका जो जो आपका स्पेस बटन होता है, स्पेस की होता है, स्पेस की के लेफ्ट में होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में विंडोज की होता है। तो जब आप विंडोज के साथ आर प्रेस करेंगे, जैसा मैंने ऊपर लिखा है, तो आपको रन जो आपका डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होता है, रन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। इसमें आपको लिखना होगा विन वर्ड, ठीक है। विन वर्ड लिख के जब आप ओके पे क्लिक करें या एंटर प्रेस करें, तो आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होता है। नाउ हियर आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई क्लियरली दैट जो विनवर्ड है वो एक शॉर्टकट है जो आपको रन कमांड से ओपन करना होगा। और रन कमांड ओपन करने के लिए मैंने आपको क्या बता दिया कि यू हैव टू प्रेस विंडोज प्लस आर, ठीक है। और आइदर ऑल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन डू इज आप रन कमांड को यहाँ सर्च पे भी लिखेंगे तो यहाँ पे आपको रन कमांड यहाँ शो होता है, ठीक है। तो मैं आपको सब तरीके जो शॉर्टकट्स है वो भी साथ साथ बताते चलूंगा जो सिस्टम्स में आपको, कंप्यूटर सिस्टम्स में के हैंडलिंग में आपको यूजफुल होगी, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, जब हमने वर्ड ओपन कर लिया है तो हमें इसका फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इसका इंटरफेस समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे, और ये जो है ना, ये 2010 ऑनवर्ड्स ऐसा स्क्रीन आना स्टार्ट हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था 2007 तक, 2010 ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है और कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये टेम्पलेट्स का क्या रोल होता है, देखिए मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट योर डॉक्यूमेंट क्रिएशन फ्रॉम स्क्रैच।
आपको अगर एकदम इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना है जहाँ कुछ भी नहीं है आपके डॉक्यूमेंट में और आप स्टार्ट कर, वेरी डिफिकल्ट। जैसे कि अगर आपको कैलेंडर बनाना है अपने वर्ड में, सो कैलेंडर बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, मतलब फॉर स्टार्टर्स आई एम सेइंग, तो कैलेंडर बनाना डिफिकल्ट है। तो वो क्या करते हैं ना कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने आपको ऑफिस के पैकेज में वर्ड के साथ कुछ टेम्पलेट्स दे दिए हैं, जो कि जब आप इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं और आप जब ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे शो होते हैं। तो आप इसको यूज कीजिए, इसको देखिए, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद क्रिएट करके, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस कैलेंडर को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा डाउनलोड हुआ कैलेंडर, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कैलेंडर मेरे सामने मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इस कैलेंडर में मुझे कुछ भी एडिट करना है, टाइटल एडिट करना है, ठीक है, सब टाइटल एडिट करना है मुझे, अगर कुछ जो भी एडिट करना है मैं यहाँ कर सकता हूँ। सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर, डोंट यू थिंक सो? तो अभी क्या है कि ये तो एक बात हो गई। दूसरा क्या होता है कि आप अगर इसको ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज जो आपको आता है वो क्या आता है, यहाँ रीसेंट का कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। देखो पहले क्या होता था कि जब ना हम डॉक्यूमेंट सेव करते थे तो कभी कभी क्या होता था कि हम ध्यान नहीं देते थे कि कहाँ सेव किया और उसको खोजते रहते थे। वो जब खोजते रहते थे तो बहुत डिफिकल्ट होता था कि भाई हम कहाँ पे रखे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं मेरे कुछ रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक 6, AI लैब, डॉक 5, डॉक 4 है ना, इनके नाम से, और ये सेव्ड है मेरे, कहाँ सेव है। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, कई बार हम भूल जाते हैं। तो अब क्या होगा, अगर इसको मुझे खोजना है तो मैं वर्ड को ओपन करूंगा और उसके बाद ये सारे मुझे जो यहाँ दिख जाएंगे रिसेंट वाले, और उसके बाद मैं इसको जो है यूज कर सकता हूँ। इस पर मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ। देखो मैंने इस पर क्लिक किया और ये मेरा doc4 ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अब दूसरा जो टैब आता है रिसेंट के साथ वो आता है पिंड। अब पिंड का मतलब क्या है कि भाई देखो, हो सकता है आप कुछ डॉक्यूमेंट्स पे वर्क कर रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट्स आपको कल की डेट में, तो अब क्या है कि अब उसको बार बार आप फोल्डर में जाके, ड्राइव्स में जाके सर्च करोगे, उससे अच्छा क्या है आप ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको यहाँ जो ये पिन का आइकन दिखा रहा है ना, इसको आप जो है ना क्लिक कर दो। जब आप इसको पिन कर दोगे ना तो क्या होगा कि ये हमेशा जो है ना, ये पिंड के अंदर में आप जब जाएंगे तो ये पिंड आइटम में doc4 आएगा। फिर अगर आपको इसके यहाँ से हटाना है तो इस पे फिर से क्लिक कर दीजिए, तो देखो ये हट गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पिन पिंड टैब में आप क्या रख सकते हैं, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर यू, है ना। तो उसको आप पिंड में, पिन टैब में आप उसको पिन करके रख सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ आपका क्या, ये तो हुआ आपका फर्स्ट टाइम जब आपने ओपन किया तो क्या होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम तो भाई इनिशियल यूजर्स हैं, हमें तो स्क्रैच से सीखना है, हमें कोई टेम्पलेट यूज नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हम पहले जो है ना ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो वर्ड का जो आपका पेज आता है वो इंटरफेस ऐसा दिखता है। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस जो है जब आपको जो दिख रहा है आपके डेस्कटॉप पे, आपके आईज को जो दिख रहा है वो आपका इंटरफेस कहलाता है, कि आप जिस पे वर्क करने वाले हैं वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये कैसा है, इसको समझना जरूरी है, इसमें क्या क्या चीजें होती है वो समझना जरूरी है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो अपर पोर्शन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो अपर पोर्शन जो टॉप में, जो जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ लिखे हुए हैं, इसको रिबन कहते हैं। मैं यही बात बता रहा था, ये 2007 ऑनवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंक्लूड हुआ, उसके पहले किसके जैसा था, जैसे नोटपैड में मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं रिबन। अगर कोई टेक्निकल कोई बोलेगा भाई आप अपने रिबन में जाओ, रिबन में जाके इंसर्ट पे क्लिक करो, तो ये इंसर्ट मेन्यू। तो रिबन में क्या होता है, रिबन में सारे मेन्यूज होते हैं और उन मेन्यूज पे क्लिक करोगे तो उन मेन्यूज में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस एंड कमांड्स होते हैं जो आपको यूज करने हैं अपने डॉक्यूमेंट क्रिएशन के टाइम पे फॉर योर पर्पस, ठीक है। अभी क्या है कि ये तो रिबन हो गया, इसके बाद आप जो पेज देख रहे हैं यहाँ पे आप टाइप करेंगे, ठीक है। जो आप पेज देख रहे हैं यहाँ पे आपको टाइप करना है और आपको यहाँ पे रूलर्स होते हैं। अब ये रूलर्स का क्या मतलब है, अगर मैं लिखता हूँ आई एम सौरभ, ठीक है, तो देखो रूलर्स का मतलब क्या होता है, ये रूलर्स आपको स्पेसिफाई करते हैं कि आपका जो पेज का साइज है उसके अकॉर्डिंग आपका लेफ्ट साइड कितना स्पेस छूटेगा, राइट साइड कितना स्पेस छूटेगा, बॉटम से कितना आपको स्पेस छोड़ना है एंड टॉप से कितना छोड़ना है, ठीक है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, है ना। अभी क्या होता है कि जब आप पेज प्रिंट कर लेते हो उसके
उसके बाद फिर आप उसको क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, पंच करते हो, फाइल में डालते हो। तो अगर आप लिखना अगर मान लो यहाँ से शुरू कर दोगे, यहाँ से नहीं करोगे, तो जब पंच करोगे फाइल में डालोगे तो ये आई एम सौरभ छूट जाएगा या कुछ लेटर्स आपके छूट जाएंगे, एंड दैट इज नॉट गुड। आप हमेशा फाइल से निकाल के तो वर्क करोगे नहीं, फाइल से निकाल के तो हमेशा पेजेस को पढ़ोगे नहीं, फाइल में ही रख के पढ़ोगे ना। इसलिए ये जो रूलर्स होते हैं ना, ये स्पेसिफाई करते हैं। अब जैसे कि क्या है, इस तरीके से अगर आप इसको ऐसे ले जाओ तो आपको समझ में आएगा कि भाई आप अपने रूलर्स का यूज करके आप अपने जो अलाइनमेंट है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे इसके टास्क बार पे जाना है। अब टास्क बार में देखिए क्या दिखाता है, सबसे लेफ्ट में आपको पेज नंबर्स दिखाते हैं, ठीक है। तो पेज वन ऑफ वन का मतलब क्या है कि आप अभी कहाँ पे हैं, करेंटली पेज वन पे हैं, और ऑफ वन मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, अभी वन ही है, ठीक है, एक ही पेज है। अगर आप यहाँ पे अगर 20 पेजेस होंगे और अगर 10th पेज पे होंगे तो आपको क्या दिखाएगा, पेज 10 of 20, ठीक है। सिमिलरली इसके जस्ट बाद में जाएंगे तो ये दिखाता है कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में अभी तक कितने वर्ड्स टाइप्ड है या कितने वर्ड्स हैं इस डॉक्यूमेंट में। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ आई एम सौरभ, देखो यहाँ पे अपने आप चेंज हो गया, 0 वर्ड से वो 3 वर्ड्स हो गया, और यहाँ पे है भी 3 वर्ड्स, है ना। तो वो स्पेस को वर्ड काउंट नहीं करता है, और दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद अगर आप जाएं तो देखो ये प्रूफिंग, अगर मान लो आपने कुछ जो है गलत वर्ड लिख दिया है, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ बिहेवियर, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या है, बिहेवियर अगर आपने लिख दिया तो ओ यू आर और ओ आर का डिफरेंस आता है, ठीक है। यूएस इंग्लिश में ओ आर लिखते हैं, यूके इंग्लिश में उसको ओ यू आर लिखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के अगर एरर्स आते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, तो प्रूफिंग एरर्स का यूज करके इसको हम जो है ना क्या करते हैं कि सॉर्ट आउट करते हैं एंड वी एक्चुअली रेक्टिफाई, ठीक है। इसके बाद जो आपका दिखाता है वो होता है लैंग्वेज। अब अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको इनके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। देखो इतने सारे लैंग्वेज का सपोर्ट आपको मिलता है, ठीक है। मेरा बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स का भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद मैंने अपने में हिंदी भी रखा है इसलिए वो हिंदी दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको जब एडवांस्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स जाऊंगा, वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा कि आप हिंदी टाइप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप टास्क बार के राइट साइड में जब जाएंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है रीड मोड ऑप्शन। रीड मोड का मतलब क्या होता है, देखो हमें जब रीडिंग करना है कोई डॉक्यूमेंट तो इन रिबन्स की जरूरत है क्या, मुझे नहीं लगता है और माइक्रोसॉफ्ट को भी नहीं लगता है। तो इसीलिए ये रीड मोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ओनली डॉक्यूमेंट दिखेगा, ठीक है। अब आप उसको आराम से रीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको करने में। और जो ये है प्रिंट लेआउट मोड कहलाता है, जिस लेआउट पे स्टार्ट होता है ना आपका, हमेशा प्रिंट लेआउट पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्रिंट लेआउट का मतलब क्या है, आपका प्रिंटिंग के बाद वो डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा वो यहाँ पे आपको जो है ना प्रिंट लेआउट में आपको जो है शो होता है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है वेब पेज लेआउट। अब वेब पेज लेआउट क्या होता है, उसमें ऊपर के जो रिबन्स है ना, ये जो रिबन है ये तो विजिबल है, लेकिन ये किसके जैसा दिखता है, जब आप इंटरनेट पे कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो वो क्या होता है, वो जैसा दिखता है वैसे ही वेब पेज लेआउट में दिखता है। तो अब ये आपका क्वेश्चन होगा, ये रीड मोड और वेब पेज लेआउट की क्या जरूरत है, प्रिंट मोड में भी तो काम हो रहा है। मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया था यूजर एक्सपीरियंस वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये धीरे धीरे डेवलप हुए। तो क्या है कि भाई वेब पेज लेआउट में ज्यादा टेक्स्ट कवर होंगे, है ना, आपको जो है रीड मोड में ज्यादा ज्यादा टेक्स्ट कवर होंगे, आपको नीचे नहीं जाना पड़ेगा। अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे कितना आधा ही पेज दिख रहा है मुझे, उसके लिए फिर नीचे जाना पड़ेगा इसको स्लाइड करके, स्लाइड बार जो आपको राइट साइड में दिख रहा है ना। इसके बाद क्या है, ये जो ऑप्शन है ना आपका, इसको जूम ऑप्शन कहते हैं। तो आपका क्या होता है, 10% से लेके और 500% तक आपका पेज जूम हो सकता है, आप जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर योर ओन आईज। लेकिन क्या है, बाय डिफॉल्ट आपको जो दिया गया है वो 100% दिया गया है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि प्रिंटिंग में अगर आप 100% में आपके टेक्स्ट और आपकी इमेज प्रॉपरली आपको दिख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि प्रिंटिंग के बाद भी पेज पे वो प्रॉपर दिखेंगे। इसलिए 100% में 100% रख के आपको कोशिश करना चाहिए कि आपकी इमेजेस और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, ठीक है। इसके बाद हम जो पहली चीज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम जो है फाइल मेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अब पहला मेन्यू जो यहाँ पे है वो फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए एक होम ऑप्शन होता है, वो मैंने डिस्कस आपसे कर लिया है। न्यू होता है, न्यू का मतलब क्या है कि भाई मुझे नया कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो मैं जैसे ही न्यू पे क्लिक करूंगा तो देखो फिर से वही ऑप्शन आएगा कि भाई आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए या आपको कोई टेम्पलेट यूज करना है। करेक्ट, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मेरा वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपके पास ओपन ऑप्शन होता है। अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो मैं क्या करूंगा, ओपन पे क्लिक करूंगा। ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट है ना आपका, तो मैं ओपन पे क्लिक करूंगा, ब्राउज पे जाऊंगा और जहां भी वो डॉक्यूमेंट है, मान लो डेस्कटॉप पे वो डॉक्यूमेंट है, मैं उसको ओपन करूंगा। ठीक है, तो देखिए मेरा एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपके पास फाइल में क्या ऑप्शन होता है, इन्फो का ऑप्शन होता है। अब ये इन्फो क्या होता है, अब जैसे जो फाइल आपकी ओपन है, ठीक है, उस फाइल में आपको उसकी साइज पता करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं इस फाइल का इन्फो आपको दिखाता हूँ, उसकी साइज क्या है, तो देखो 13.6 KB का फाइल है, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, टोटल एडिटिंग टाइम कितना था, 13 मिनट्स लगा था एडिट करने में। ठीक है, टाइटल हमने कुछ दिया है क्या, टैग हमने दिया है क्या, ये हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, कब बना था, कब मॉडिफाई हुआ था, किसने बनाया था, ऑथर कौन है। ठीक है, आई एम द ऑथर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा एज अवर वीडियो प्रोग्रेसेस, एज अवर टीचिंग प्रोग्रेसेस, कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड के थ्रू। आपको अगर कुछ इश्यूज हैं तो देख सकते हैं, आपको मैनेजमेंट करना है अगर अपने डॉक्यूमेंट का तो कैसे करना है, ये सब मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन इन्फो में जाके ये सारी चीजें आप पता कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि आपको नहीं पता है कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ सेव है, तो आप क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके और कॉपी पाथ पे सेलेक्ट कीजिए, और कॉपी पाथ को सेलेक्ट करके आप क्या कीजिए, अपने विंडोज में ओपन करके यहाँ पे आप उस पाथ को सेट कीजिए, तो देखिए आपको जो है ना, आपको उसका पाथ पता चल जाएगा कि भाई ये डेस्कटॉप पे जाके सेव हुआ है। समझ में आ रहा है? इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड सेव। सेव का मतलब क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, लेकिन जो नए यूजर्स हैं, आजकल तो बहुत इजी है समझना लोगों के लिए कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, लेकिन जो पहली बार सुन भी रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, एआई लैब टूल्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं मान लीजिए डॉक्यूमेंट वन, ठीक है, मैं इसको पहले सेव करता हूँ। ठीक है, जब मैं सेव करता हूँ कहाँ सेव करना चाहता हूँ, ब्राउज करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ और मैं इसको डॉक्यूमेंट वन के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, सेव करते समय आपको पता होना चाहिए कि आप किस 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 फाइल टाइप से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बाय डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट से सेव करते हैं जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, मैंने बताया था, दैट इज .docx। ठीक है, इसके अलावा आप इतने सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप .doc में भी सेव कर सकते हैं। इसका मतलब अगर वर्ड 97 to 2003 डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट करते हैं तो वो .doc के फॉर्मेट में सेव होगा। आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप एक PDF क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का। जैसे अगर मैं इसको सेव, मैं अभी फिलहाल जो है इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करता हूँ। ठीक है, जैसे ही सेव किया आप देख सकते हैं मेरा ये सेव हो चुका है। अब क्या है, मुझे अगर इसको सेव करना है लेट अस सपोज किसी दूसरे नाम से, ठीक है, होता है मैं इसका एक कॉपी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेव एज पे क्लिक करूंगा, ना कि सेव पे क्लिक करूंगा, क्योंकि पिछली बार सेव किया फर्स्ट टाइम तो सेव करने से क्या मुझे ऑप्शन आया कि कहाँ सेव करना है। अभी अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो वो ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट है। अब उसमें कुछ भी नया आप करोगे तो वो अपने आप जो है आप उस पर सेव पे क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसका एक अलग एक डॉक्यूमेंट कॉपी बनानी है तो मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा, फिर देखो वो ब्राउज पूछेगा, मैं सेव, मैं जाऊंगा उस प्लेस पे जहां सेव करना है, डॉक्यूमेंट टू एक मैं उसको बना दूंगा, फिर उसके बाद सेव पे क्लिक करूंगा। अभी देखो जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, आप देखोगे ये जो डॉक्यूमेंट है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट वन की जगह डॉक्यूमेंट टू हो गया। तो ये क्या है, ये कई बार यूज होता है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते, और क्योंकि क्या है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वैसे का वैसे ही रख के हो सकता है बाद में काम आए, तो आप एक डॉक्यूमेंट टू बना के उस पे ये सारे काम करते हैं, तो आपके पास दो अलग अलग कॉपीज होती है, सेव एज का ये मतलब होता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास प्रिंट ऑप्शन होता है। प्रिंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखो आपको ये पेज जब प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा, वो यहाँ पे शो होता है, देखिए प्रीव्यू दिख रहा है,
और कितनी कॉपीज आपको लेनी है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉपीज अगर प्रिंट करनी है तो यहाँ से सेलेक्ट होगा। मेरे पास अभी कोई प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए मुझे नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज यहाँ मेरे प्रिंटर का नाम होता है। यहाँ पे आपको जो है, आपको प्रिंट सारे प्रिंट पेज करने हैं या करंट पेज करना है या कस्टम प्रिंट करना है। कस्टम प्रिंट मतलब मान लो कि मेरे पास 20 पेजेस हैं टोटल, उसमें से मुझे मान लो कि 10 ही सेलेक्ट करना है प्रिंट के लिए, तो 1 से मैं अगर 10 लिख दूंगा तो वो जो है ना प्रिंट करने के लिए 1 से 10 आपका केवल 10 पेजेस ही प्रिंट करेगा। आपको एक साइड प्रिंट करना है या दो साइड प्रिंट करना है वो यहाँ से सेलेक्ट होगा। अब आपको पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है, अब जैसे आप जो प्रीव्यू में देख रहे हैं ना, ये पेज पोर्ट्रेट पेज कहलाता है, ठीक है, ओरिएंटेशन। इसको अगर आपको लैंडस्केप में कन्वर्ट करना है तो लैंडस्केप सेलेक्ट कीजिए, देखिए ये आपका लैंडस्केप आ गया है ना। तो आपके जो वेडिंग कार्ड्स वगैरह होते हैं वो नॉर्मली क्या होता है, पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप में बने होते हैं, हालांकि पोर्ट्रेट भी होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका यूज है आप उस तरीके से नॉर्मली जो प्रिंटिंग होती है आप उसको पोर्ट्रेट में करते हैं। इसके बाद आप प्रिंटिंग के समय पे ये भी देख सकते हैं कि भाई आपके आप कौन से पेज पे काम कर रहे हैं। जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो आपके पेजेस होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। भाई कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ टेब्लॉइड पेजेस होते हैं, लीगल पेज होते हैं, एग्जीक्यूटिव, A3 पेज है ना, और इनकी सबकी साइज देखो अलग अलग होती है ना। तो आपको जिस पेज पे प्रिंट करना है आपको अपना डॉक्यूमेंट भी उसी पेज के लिए बनाना चाहिए। बाई डिफॉल्ट जो है ना, हम जो प्रिंट नॉर्मल प्रिंटिंग पेजेस हम खरीदते हैं वाइट पेजेस, वो A4 साइज होते हैं, A3 इससे थोड़ा सा बड़ा साइज होता है, ठीक है। A3 साइज के लिए अगर आपको बनाना है तो पहले से ही आपको वो सेट करना चाहिए, ठीक है। तो A3 के हिसाब से सेट करना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, बट अगर आपको प्रिंटिंग करनी है तो आपको जो है ना उसको सेलेक्ट करके उसी साइज को प्रिंट करना चाहिए। इसके बाद आपका मार्जिन कैसे होगा, भाई लेफ्ट से कितना छूटेगा, टॉप बॉटम और राइट साइड से कितना छूटेगा, है ना। आप देखते होंगे जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक में चारों साइड से जो है कुछ कुछ मार्जिन छोटे होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि नीचे से पेज नंबर देने के लिए, ऊपर से हेडिंग देने के लिए, राइट साइड से आपको मार्जिन कुछ दिया रहता है, लेफ्ट साइड से कुछ मार्जिन दिया रहता है, पंचिंग के लिए काम आता है, ठीक है। मैं ये मार्जिन कैसे सेट करते हैं ये भी मैं आपको अपने आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा, ठीक है। अब आपको एक पेज पे आपको 2 पेज प्रिंट करना है, 3 पेज प्रिंट करना है, 5 पेज प्रिंट करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको एडिशनल पेज सेटअप करना है तो पेज सेटअप पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका मार्जिन आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेपर कैसा आपको चाहिए वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेआउट कैसा चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें जो है पेज सेटअप से आती है, ठीक है। तो प्रिंटिंग जो ऑप्शन है उसमें ये सारी चीजें होती है। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन होता है उसको कहते हैं शेयर। अभी शेयर क्या है भाई, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आपको क्लाउड पे सेव करना है मान लो, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में क्या होता है ना, वन ड्राइव एक क्लाउड दिया जाता है, कुछ स्पेस दिया जाता है वन ड्राइव पे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास वन ड्राइव जो है क्लाउड उसकी सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं वन ड्राइव पे कुछ एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे गूगल का क्या होता है, गूगल ड्राइव होता है, ठीक है, क्लाउड। वैसे यहाँ पे क्या है, वन ड्राइव मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, उसमें कुछ स्पेसेस होता है जिसमें आप अपना, क्योंकि क्या होता है कि आपके हार्ड डिस्क से वो डेटा उड़ सकता है, ये फाइल उड़ सकता है बिकॉज ऑफ सर्टेन इशूज इन योर सिस्टम, तो आपके क्लाउड पे रहेगा, सो यू कैन जस्ट एक्सेस फ्रॉम क्लाउड, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली अगर मेल करना चाहते हैं तो आपको सेंड एज अटैचमेंट करना है, PDF की तरह भेजना है, तो ये सारे जो है ना आप शेयर के जो ऑप्शंस है ये यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी ब्लॉग पे पोस्ट करना है तो उसके लिए आपका जो है यहाँ से आप शेयर किया जा सकता है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑप्शन। भाई अभी इसी फाइल को मुझे जो है मान लो कि एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, PDF XPS के फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको दूसरे किसी फाइल टाइप में अगर सेव करना है तो वो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो PDF XPS या XPS फॉर्मेट में आपका एक्सपोर्ट होता है। क्लोज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट अपने आप क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो कई बार मेरे कई फ्रेंड्स होते हैं, कई स्टूडेंट्स हैं और कई मेरे रिलेटिव्स हैं जो मुझे कहते हैं कि अगर मुझे पता करना है कि मेरे वर्ड का प्रोडक्ट आईडी क्या है, मेरे ऑफिस का पैकेज, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप अपने ऑफिस में इंस्टॉल किए हैं और आप ये पाते हैं कि भाई ऑफिस तो इंस्टॉल हो गया लेकिन अब मुझे अगर फिर से इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना है, कई रीजंस हो सकते हैं ना। हो सकता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया जिसके कारण आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्रेश इंस्टॉलेशन किया है,
और फिर से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज को जो है इंस्टॉल किया है, तो वहां पे क्या होगा, आपको प्रोडक्ट आईडी देना होगा, बिकॉज ये जो पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ये तो खरीदने से मिलता है ना, तो जो इसका प्रोडक्ट आईडी है, जब तक नहीं दोगे तब तक वो एक्टिवेट करेगा नहीं और आपको यूज करना नहीं देगा। तो वो आईडी कौन सी है ये पता करना है, कौन से मेल आईडी से, वो सारा इंफॉर्मेशन, अकाउंट का इंफॉर्मेशन अकाउंट में मिलता है आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यूजर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मेरा नेम, जिस नेम से ये बना, मतलब ऑफिस एक्टिवेट है ये प्रोडक्ट, मेरा मेल आईडी, ठीक है, अकाउंट प्राइवेसी, अगर मुझे कुछ ऑफिस बैकग्राउंड देना है, अगर मान लो ऑफिस बैकग्राउंड क्या है, आप ये राइट साइड में ऊपर में देखना, आपको ना ऑफिस बैकग्राउंड दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मुझे अगर अपना कस्टमाइज करना है, कुछ अच्छा दिखना चाहिए मेरा वर्ड काम करते समय, मैं क्या करूंगा, अभी नो बैकग्राउंड है उसको मैं कैलीग्राफी कर दूंगा, देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, है ना। तो ये जो जो आप रखेंगे ना, जो जो आप सिलेक्ट करेंगे, स्प्रिंग, स्कूल सप्लाईज, वैसा आपका दिखेगा। मैं अभी नो बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ, ठीक है। फिर मैंने कलरफुल रखा है, अगर मुझे डार्क ग्रे करना है, देखिए मेरा कलर स्कीम चेंज हो जाएगा, ब्लैक करना है, ठीक है, मुझे व्हाइट में वर्क करना है, ठीक है, मुझे अगर मान लो कि, तो मैं अभी क्या कलरफुल पे रखा था, है ना, मुझे कलरफुल पसंद है तो मैं कलरफुल रखा था, आप डार्क पे भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑफिस का इंफॉर्मेशन भी होता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है आप देख सकते हैं एक्टिवेटेड है ना, आई हैव अ लाइसेंस प्रोडक्ट, एंड उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, कौन सा वर्जन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019। इस प्रोडक्ट में मुझे क्या क्या मिला है, देखो W विथ ब्लू कलर अगर होगा तो ये वर्ड का साइन होता है, X विथ ग्रीन कलर होगा तो ये एक्सेल का होता है, P विथ ऑरेंज कलर होगा तो ये क्या होता है, पावर पॉइंट होता है, एन विथ वॉयलेट कलर होगा तो इसको क्या कहते हैं, वन नोट कहते हैं। तो ये चार प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 एडिशन के साथ। इसके साथ में अगर मुझे लाइसेंस चेंज करना है तो मैं चेंज लाइसेंस पे क्लिक करूंगा और लाइसेंस चेंज करूंगा, ठीक है, तो उसके लिए मुझे लॉग इन करके और फिर लाइसेंस को चेंज करना होगा। अगर मुझे अपडेट करना है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तो यहाँ से होगा। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन और चाहिए, जैसे यहाँ पे वर्जन दिया हुआ है, ठीक है, बिल्ड दिया हुआ है, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए है, नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं है, बस समझ लो कि ये वर्जन 2103 है, बिल्ड इतना हुआ है, ठीक है। और अगर मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइसेंस से रिलेटेड, तो अबाउट वर्ड पे क्लिक करूंगा तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ आप देख सकते हैं मेरा प्रोडक्ट आईडी जो है ना यहाँ पे मेंशन है, इसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने ऑफिस को नेक्स्ट टाइम एक्टिवेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा पूरा लाइसेंस का टर्म्स एंड सर्विसेज है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक होता है, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। मोर में जाके जब आप फीडबैक पे क्लिक करेंगे, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि माइक्रोसॉफ्ट भी चाहता है कि भाई यूजर्स जब यूज कर रहे हैं मेरा प्रोडक्ट, तो भाई उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ ना मुझे, कोई अच्छा लग रहा है अगर मेरे प्रोडक्ट में तो वो भी बताओ मुझे, है ना, कोई सजेशन है तो वो भी बताओ, तो दैट यू कैन डू। यहाँ पे आप जो भी आपको है आप वो क्लिक करके और उस पे आप सजेशन भेज सकते हैं, आपको कुछ अच्छा लगा वो भेज सकते हैं, सो इट विल हेल्प देम अ लॉट इन फर्दर चेंजेस इफ नेसेसरी, ठीक है ना। एक और ऑप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस में क्या होता है कि अब अगर आपको एडिशनल ऑप्शंस क्लिक करना है, जैसे मान लो कि डिस्प्ले हो गया, प्रूफिंग हो गया, अब सेव कैसे होगा, तो देखिए अब जैसे सेव बाय डिफॉल्ट क्या है, .docx, यहाँ पे मैं अगर .doc बाई डिफॉल्ट रख दूंगा ना, तो हमेशा ये जो है ना 97 2003 डॉक्यूमेंट .doc में ही सेव होगा, तो बाई डिफॉल्ट क्या है, .docx है ना। वैसे ये कहाँ पे सेव होगा ऑटो, उसके बाद फिर जो है आप डिफॉल्ट सेटिंग्स कर सकते हैं सेव की, वैसे ही आपका लैंग्वेज कौन सा है, ठीक है, आप आपके कुछ ईज ऑफ एक्सेस के लिए, तो ये एडवांस्ड ऑप्शंस कुछ कुछ अवेलेबल हैं भाई आपको। अगर मान लीजिए कि अब जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली क्रिएट ड्राइंग कैनवस व्हेन इंसर्टिंग ऑटो शेप्स, इसका मतलब क्या होता है कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो जब आप शेप्स इंसर्ट करेंगे ना, तो क्या करते हैं कि भाई आप चाहते हैं कि भाई ड्राइंग कैनवस अपने आप आ जाए, अभी फिलहाल नहीं आता है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए, और हमेशा ऐसा ही होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर कस्टमाइज्ड रिबन, अब जैसे आपको रिबन दिया हुआ है, अब मुझे अगर उस रिबन में यहाँ पे सपोज कि कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, और फिर वापस यहाँ से सेलेक्ट करके उसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। वैसे एक क्विक एक्सेस टूल बार है आपका, तो क्विक एक्सेस में अभी क्या है आपके पास, सेव है, अंडू है, रीडू है ना। इसके अलावा मान लो कि अगर मुझे कॉपी को भी लेना है, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी को सेलेक्ट करूंगा, ऐड करूंगा,
है ना, तो देखो यहाँ पे ऐड हो गया। अगर मुझे इसको फिर रिमूव करना है तो मैं रिमूव करूंगा तो वापस ये इधर आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। इस तरीके से आप अपने जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसको भी यूज कर सकते हैं। कुछ एडिंस होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे मेरे पास ग्रामरली है, ठीक है। ग्रामरली क्या करता है कि जब आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना, तो मेरे पास उसका सब्सक्रिप्शन है, तो ग्रामरली क्या करता है आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई ग्रामर का मिस्टेक है वो आपको बताता है। ऐसे कोई एड ऑन्स है तो वो आपके एडिंस में यहाँ पे शो होते हैं। वैसे ही आपके पास ट्रस्ट सेंटर का ऑप्शन होता है। ट्रस्ट सेंटर में क्या होता है कि भाई आप आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स में आप जाएंगे तो भाई आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में आपको आता है कि कोई पब्लिशर कौन है, ठीक है, और सारी डिटेल्स आती हैं आपकी, ठीक है। अगर आपको कुछ चेंज करना है कुछ सेटिंग्स अपने पर, तो दीज आर एडवांस्ड सेटिंग्स, लेट्स नॉट गो इन टू मोर डिटेल ऑफ दीज सेटिंग्स, है ना। एज अ नॉर्मल यूजर मैं एडवांस जब आपको पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में और अच्छे से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमने फाइल मेन्यू तो पूरा समझ लिया, ठीक है। अब एक ऊपर में ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये होता है आपका कस्टमाइज्ड क्विक एक्सेस टूल बार। मैंने आपको बताया था ना अभी आपके पास क्या है, सेव है, अंडू है, रीडू है, आप वहाँ ऑप्शंस जाके सेलेक्ट करने से बेटर है यहाँ पे भी आप जो है ना आपके क्विक एक्सेस में आपको क्या चाहिए वो आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको अगर आप सेव करते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाता है, इट बिकम्स वेरी इजी आप ये क्विक एक्सेस के लिए आप इनको यूज कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आज अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको क्या बताया हूँ कि हाउ यू कैन वर्क विथ फाइल मेन्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि होम के जितने भी ऑप्शंस हैं उसपे उसके साथ आप वर्क कैसे कर सकते हैं, और मैं एक टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आपको उनके साथ प्ले और एक्सपेरिमेंट करना सिखाऊंगा, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस डे।